देखिए जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने कयामुल लैल जो है उसे फर्ज नहीं ठहराया ततव्वुअ, कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं, अहादीस में उसकी तशवीक और तरगीब पूरी मौजूद है। एक और हदीस भी हम बाद में पढ़ेंगे इस पर। इसका पसमंजर क्या था कि इसको छोड़ दिया गया। अब जाहिर बात है मुसलमानों में कमजोर भी हैं, मुसलमानों में वो मजदूरी करने वाले भी हैं, रोजा तो फर्ज है उन पर, चाहे मई का महीना है और गंदम काटनी है रोजा तो फिर भी रखना होगा, ये सब कुछ है। लेकिन ये कि रात को फिर खड़े रहना उनके लिए जागना मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके ऊपर ये चीज फर्ज नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या कयामुल लैल ना उसे फर्ज करार दिया, ना उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल, सिर्फ तीन रातें आपने जमात करवाई है, उसमें आठ आठ रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का वो पढ़ी, और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराइए। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुतसिल, इसका कोई जिक्र न दौरे नबवी में है न दौरे सिद्दीक अकबर में है। ये दौरे हजरत उमर की खिलाफत में हुआ है और हम नहीं कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो तो 10 बरस है, हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके अहद। हजरत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए मस्जिद नबी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे हैं, कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, और इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए इशा के साथ मुत्तसिल रख दिया जाए, इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना जो है वो तो हर कसो नाकस का काम नहीं है, कि इशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये गोया के इज्तिहाद है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया है, लेकिन बिदअत हसना, बिदअत किस एतबार से, लुगवी एतबार से, नई बात, इसलिए कि हुजूर के जमाने में नहीं थी, तो ये इस तरीके से एक नई बात। लेकिन ये बात चूंकि बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है, आप जब ये नमाज़ चल पड़ा तो एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि बड़ी भरी मस्जिद है, सहाबा खड़े हैं और एक इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं, आपने फरमाया नेमल बिदअतु हाज़िही, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। अब यहां से फर्क वाकई हो गया है। एक तो अहले तशय्यो जो है वो तो वैसे ही हजरत उमर से बहुत दुश्मनी रखते हैं, इनाद रखते हैं, तो हजरत उमर के इज्तिहादात से उन्हें नफरत है, उन्हें दूरी है, चाहे वो कोई सा भी हजरत उमर का इज्तिहाद। हमारे यहां अहले हदीस हजरात भी दर हकीकत हजरत उमर या किसी और खलीफा राशिद के फेल को वो समझते हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। हजरत उमर ने अपने दौर में एक निजाम कायम किया, उनके दौर के लिए ठीक था, ये हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए वो 8 ही रकतों के कायल हैं वो तहज्जुद वाले, लेकिन उसमें बहरहाल उन्होंने भी खुद ये इजाफा किया है कि वो 8 रकतें वो ईशा के साथ मुतसिल पढ़ते हैं, तहज्जुद के वक्त तो नहीं पढ़ते। और हुजूर ने तो सिर्फ 3 रोज जो है वो कराई थी जमात, वो लोग 30 दिन या 29 दिन पढ़ रहे हैं, तो इजाफा तो उन्होंने भी कर दिया, तो निज़ाम में तब्दीली तो हो गई। लेकिन अहले सुन्नत जो कहलाते हैं, हमारे जो 4 जो हैं, जो हमारे मसलक हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इनका इत्तेफाक है इस पर हजरत उमर का, क्योंकि उनके सामने उसूल ये है कि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो मजबूती के साथ और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन जो है उनकी सुन्नत को पकड़ो। इस उसूल से ये चारों फिक्हें जो हैं हजरत उमर के इज्तिहादात जो हैं उनको भी पाबंदी समझते हैं कि तमाम उम्र के लिए, क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा पर उनकी पैरवी लाजिम है। लिहाजा इसमें इजमा है, और यहाँ तक कि ये सबसे आखिरी जो इसमें मसलक पैदा हुआ है जमानी एतबार से, सबसे पहले मसलक जो है हनफी पैदा हुआ है, फिर मालिक की पैदा हुआ है, फिर शाफी पैदा हुआ है, और फिर हम्बली आखिरी है। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल जो है वो बहुत बड़ी किताब है, बहुत अहम किताब है, जामे किताब है। तो
तो उनके यहां भी 20 रकतें हैं। चुनाचे हरमैन शरीफैन में सऊदी अरब में मक्के और मदीना मुनव्वरा में जो नमाज तरावी होती है उसकी 20 रकतें हैं, लेकिन अहले हदीस हजरात जो है वो उस 8 के ऊपर इत्तेफा करते हैं। बहरहाल ये एक इख्तिलाफ है जो मैंने उसका पस मंजर बयान कर दिया, लेकिन इस 20 रकत नमाज से अदा करने से जो कि ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट या 1 घंटा लगता है, इससे वो कयामुल लैल का हक अदा नहीं होता। कयामुल लैल का तो कुछ और ही तकाजा है। कयाम किसे कहते हैं? ये सूरह मुज़म्मिल से वाज़े होता है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला। आधी रात या आधी रात से कुछ कम यानी तिहाई रात या आधी रात से कुछ ज़ाइद 2/3 रात, यह है क़यामुल लैल। चुनाचे सूरह मुज़म्मिल ही की आखिरी आयत जो दूसरा रुकू मुश्तमिल है जिस पर, उसमें साफ कह दिया गया इन रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलसिल लैल व निसफ़हु व सुलसहु व ताइफ़तुन मिन अल्लज़ीना मअक। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह खूब वाकिफ है कि आप भी और आपके साथ एक जमात भी रात को खड़ी रहती है 2/3 रात या आधी रात या 1/3 रात। तो ये सारा मामला जो है क़यामुल लैल का, गोया के कम से कम 1/3 रात पर उसका इतलाक हो सकेगा, ये नहीं कि 1 घंटे। अब किसके ज़िम्न में देखिए, हदीस पढ़िए, तीसरी हदीस है अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वही अब्दुल्लाह इब्न अम्र है जिनकी मैंने आपको हदीस पहले सुनाई है। ये सारी रात खड़े रहते थे पूरी रात और हर रोज रोजा रखते थे, जिस पर हुजूर ने मना किया ला तफ़अल मत करो ऐसा। रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये खुद भी सहाबी हैं और इनके वालिद अम्र इब्न अल आस भी सहाबी हैं। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सयामु वल कुरआनु यशफान लिल अब्द, रोजा और कुरान बंदे के हक में शफात करेंगे। यकूलु सयाम, रोजा ही अर्ज करेगा अल्लाह की जनाब में, ए रब परवरदिगार इन्नी मनातुहु ताआमा व शहवात बिन नहार, मैंने तेरे इस बंदे को दिन के दौरान खाने पीने से और अपनी शहवत का तकादा पूरा करने से रोके रखा, ये मेरी वजह से रोका रहा, तो मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। फशफ़िअनी फीह, मेरी शफात उसके हक में कबूल फरमा। व यकूलुल कुरान, कुरान क्या कहेगा? मनातुहु नौमा बिल्लैल, मैंने इसे रात के वक्त सोने से नींद से रोके रखा। फशफ़िअनी फीह, तो इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। हुजूर फरमाते फयुशफ़ान, इन दोनों की शफात कबूल की जाएगी। ये है क़यामुल लैल।